खबरें जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश गौ सेवक संघ ने शासन को अवगत कराते हुए कहा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में 2 अक्टूबर 1997 को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा ग्राम पंचायतों में गौ सेवक संघ नियुक्ति की गई थी, लेकिन गौ सेवकों को किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया गया है। हम गौ सेवक पशुपालन एवं विभाग एवं सरकार की महत्वपूर्ण कड़ी, पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान, प्राथमिक उपचार, मदियाकरण, टीकाकरण एवं सरकार तथा पशुपालन विभाग की समय समय पर चलाई जा रही योजनाओं में पूरी ईमानदारी से कार्यरत हैं। प्रति पंचायत स्तर पर जाकर पूरे मध्य प्रदेश में किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं जैसे कि गोकुल महोत्सव, कृषि महोत्सव, गोपाल पुरस्कार योजना, नंदीशाला योजना, मुर्रापाड़ा योजना में किसानों को जागरूक किया जाता है। पशु जनगणना में एक प्रगणक की भांति हम कार्य करते हैं। अतः मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि अपने वचन पत्र के अनुसार पशुपालन डेयरी विकास के अनुसार गौ सेवकों की नियुक्ति की जाए। महोदय जी से यह भी निवेदन है कि महंगाई में गौ सेवकों के परिवार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारी मांगों को अति शीघ्र निराकरण किया जाए। हम पशुपालन विभाग द्वारा प्रशिक्षित गौ सेवक संचालनों द्वारा पूर्व की सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही थी, जो ग्राम पंचायतों पर हम निःशुल्क काम करते आ रहे हैं और हम आज तक भी करते आ रहे हैं। हमारी तरफ ना तो विभाग ध्यान दे रहा है ना शासन ध्यान दे रही है। हम विभाग में निःशुल्क काम करते हैं, टीकाकरण, बदियाकरण, हमने शासन को बहुत कुछ दिया, बाकी शासन ने हमें आज तक अभी हमारी तरफ देखा नहीं मुड़ता। और अगर जल्द से जल्द अगर माननीय मंत्री महोदय और वचन पत्र में भी हमें लिया गया है ग्राम प्रशासनिक सेवा एवं एक निश्चित मानदेय दिया जाएगा, ये सरकार ने वचन पत्र बनाया जब उस समय दिया गया था। और अगर सरकार अब हमारी जल्द से जल्द मांग नहीं करेगी तो हम उग्र आंदोलन भीख मांगेंगे और उग्र आंदोलन प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हम एक निःशुल्क काम करते आ रहे हैं। अभी आपको क्या आश्वासन दिया आपने? मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए कुछ निर्णय लिया जाएगा। अगर नहीं निर्णय लेंगे तो फिर हम संगठन के माध्यम से कुछ उचित निर्णय लेंगे। कितने लोग हैं आप लोग? हम लगभग 23,000 अपन काम करने वाले, करीब हम 8,000 गौ सेवक सक्रिय रूप से काम करते आ रहे हैं। कितना समय दिया उन्होंने? 15-20 दिन का, 1 महीने का बोला है। तो दोबारा मिलेंगे आप? दोबारा हम तो मिलेंगे नहीं, हम तो आंदोलन करके मंत्री जी के बंगले के सामने भीख मांगे। ठीक, नाम बता दो। राजेश धोलपुरे, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश। सर, ये गौ सेवक संघ आए हैं, इन लोगों की क्या मांगे हैं सर, आपसे मुलाकात भी की? देखिए, ये गौ सेवक काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट, और ये मध्य प्रदेश में करीब 20-22 हज़ार लोग थे। बहुत सारे लोग तो इसमें से चले गए, कुछ अपने खुद के व्यवसाय में चले गए, कोई कहीं सेटल हो गया। अभी मध्य प्रदेश में 8-9 हज़ार गौ सेवक हैं। निश्चित तौर पर अभी तक इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे डिपार्टमेंट में सहयोग किया। जितने भी कैटल हमारे डिसीज रहते थे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी घर पे जाके सेवा देते थे। इनकी अपनी विचारों की मांगें हैं कि हमारा विभाग में कहीं ना कहीं हमको शिफ्ट किया जाए। निश्चित तौर पर इनके विभाग में भी इनके ऊपर मंथन और विचार चल रहा है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनको जल्द कहीं ना कहीं हम लोग शिफ्ट करने के लिए हमारा विभाग इसके लिए पूरी तरह काम कर रहा है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल।